नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम 16 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप इस वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर वन शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए कर्नाटक में, बी नई दिल्ली में, सी उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर है ए कर्नाटक में। इसका सही आंसर है ए कर्नाटक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? नॉर्थ कर्नाटक एग्रोमेट फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कर्नाटक के सीएम कौन है? एसडी कुमार स्वामी हैं। और राज्यपाल कौन है? बजू भाई वाला। क्वेश्चन नंबर दो। आईएलओ द्वारा विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2019 रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी कितने परसेंट तक गिरने का अनुमान है? इसका सही आंसर है ए 4.9%, बी 5.8% या सी 5%। इसका सही आंसर है 4.9%। 4.9% बेरोजगारी गिरने का अनुमान है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। महानिदेशक इसके कौन है? गाई राइडर। और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। महानिदेशक हैं गाई राइडर। स्थापना 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर थ्री। हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में या सी हैदराबाद में। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? WSDS 2019 का विषय कौन था? अटेनिंग द 2030 एजेंडा। विषय क्या है? अटेनिंग 2030 एजेंडा, डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस। फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? फ्रैंक बेनीराम है। फ्रैंक बेनीराम को फिजी में सतत विकास के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? और टेरी के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर फोर। अर्ली एंड एशिया 2019 कहाँ आयोजित किया गया? ए जयपुर में, बी राजस्थान में, सी मुंबई में। इसका सही आंसर है ए जयपुर में। इसका सही आंसर है ए जयपुर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? अर्ली एंड एशिया 2019 दो दिवसीय कार्यक्रम है जो प्रारंभिक बालावस्था पर एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। यह राजस्थान के जयपुर में सिटी पैलेस में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आदर्श वाक्य था अवर चिल्ड्रन अवर फ्यूचर। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। मुख्यमंत्री इसके अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कल्याण सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव। हाल ही में नासा द्वारा ब्रह्मांड की जाँच करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? इसका नाम है स्फेरेक्स। इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स अप्रोच ऑफ रीएनाइजेशन एंड आईपीएस एक्सप्लोरर कहते हैं। स्फेरेक्स की फुल फॉर्म ये है। क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाल ही में IWA ने वास्तविक समय की जानकारी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए लेडीज है इसका नाम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर सेवन। हाल ही में कौन सी ई कॉमर्स साइट ने अपनी UPI ऐप लॉन्च की है? फ्लिपकार्ट पे UPI, ए फ्लिपकार्ट पे UPI या अमेज़न पे UPI या ईबे UPI। इसका सही आंसर है अमेज़न ने अपनी पे UPI ऐप लॉन्च करी है। क्वेश्चन नंबर एट। हाल ही में पांचवीं भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में या सी बेंगलोर में। हाल पांचवीं भारत बांग्लादेश बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये इसका सही आंसर है नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में आयोजित की गई। पांचवीं भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना है। राजधानी इसकी क्या है, ढाका। और मुद्रा क्या है, टका। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना घोषित की गई, ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड या सी बिहार। इसका सही आंसर है सी बिहार में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुखिया वृद्धा पेंशन योजना यानी MMVPY 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्ति को 400 रुपये मासिक दिया जाएगा। बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने 72,400 आइसॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए कौन से देश के साथ समझौता किया है, ए रूस के साथ, बी अमेरिका के साथ या सी जापान के साथ। इसका सही आंसर है बी अमेरिका के साथ किया है, अमेरिका के साथ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। राजधानी किसकी क्या है, वाशिंगटन, वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या है, अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 15 फरवरी 2019 से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, इसका सही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या है, PMSYM की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, न्यूनतम बीमित पेंशन PMSY के तहत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी, और पारिवारिक पेंशन पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का जीवन साथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए ही लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, PC मोदी को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुशील चंद्र को। CBDT के ये प्रमुख हैं, सुशील चंद्र जो है CBDT के प्रमुख हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।